अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल हैं आप लोगों के। मैं खैरियत से हूँ, उम्मीद करती हूँ आप सभी खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे। तो आज मैं बनाने लगी हूँ मैक्रोनी। तो उसके लिए मैंने पानी को बॉईल कर लिया, तो उसमें डालते हैं 1 टीस्पून हमने ऑयल डाल देना है और 1/2 टीस्पून हमने इसमें नमक ऐड करना है। और इसमें हमने ये 1/2 ग्लास मैंने ली है मैक्रोनी, छोटी वाली बारीक वाली, तो ये इसमें बॉईल कर देते हैं। और इसको हमने एक दफ़ा हिला लेना चम्मच के साथ और 8 से 10 मिनट में ये बॉईल हो जाती है। तो चलें इसको बॉईल करते हैं। मैक्रोनी गल चुकी है, अब इसमें पानी हम इसमें से निकाल लेते हैं एक्स्ट्रा। इसमें हमने ठंडा पानी ऐड करना है ताकि ये साफ चिपके ना। 3 टेबलस्पून मैंने लिया है कुकिंग ऑयल, तो उसमें हमने ये लहसुन को थोड़ा सा फ्राई करना है। अब इसके अंदर हमने प्याज ऐड कर देना है, इसको भी 1 मिनट के लिए पकाना है, हमने सॉफ्ट करना है थोड़ा सा। प्याज भी सॉफ्ट हो गया, अब इसमें हमने चिकन डाल देना है और इसको हमने पकाना है, इसको जब तक के ये वाइट कलर ना हो जाए इसका। अब इसके बाद हमने इसमें टमाटर ऐड करते हैं, इनको थोड़ा सा मिक्स कर लेते हैं। उसके बाद हमने इसमें हरी मिर्चियाँ डाल दी, इसको हमें ज़रा स्पाइसी बनाना है। अब हमने टेस्ट के हिसाब से डाले मिर्ची, अगर आपने ज़्यादा स्पाइसी खाना है तो ज़्यादा डालना, अगर स्पाइसी खाना है तो कम डालना। उसके बाद हम इसमें अब मसाले ऐड करेंगे, काली मिर्ची ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून, जीरा आपके पास पीसा जीरा वो डाल दें, साबुत जीरा साबुत जीरा डाल दें। तो उसके बाद हमने इसमें थ्री टेबल स्पून हम डालेंगे इसमें चिली सॉस और 3 टेबल स्पून ही हम इसमें सिरका ऐड करेंगे, सोया सॉस। अब सिरका इसमें ऐड करके, आपके पास इमली का पानी है आप वो यूज़ कर लें, अगर सिरका है तो सिरका डाल लें। अब इन सारी चीज़ों को हमने मिक्स करते हैं और इसमें आप 3 टेबलस्पून ही हमने इसमें केचप डाल देंगे। अब इसमें केचप 1/2 कप के करीब हम डाल देंगे इसमें। अब ये सारी चीज़ों को मिक्स करके हमने 10 से 15 मिनट के लिए हल्की आंच पे रख देना ताकि हमारा गोश्त भी गल जाए और दूसरी चीज़ें भी थोड़ी सॉफ्ट हो जाए। गोश्त सॉफ्ट हो चुका है, अब ये हम थोड़ा सा इसको भूनेंगे और साथ में ये नमक ऐड करते हैं। आप चाहें तो जब मसाले डालें तभी आप नमक ऐड कर लें, और गर्म मसाला भी इसमें ऐड करते हैं वो भी आप तभी डाल सकते हैं। तो इसको हम थोड़ा सा ड्राई कर लेते हैं। मसाला हमारा रेडी है बिल्कुल, इसमें अब मैक्रोनी जो हमने बॉईल की थी वो ऐड कर देते हैं। इसको मिक्स करके हमने 2-3 मिनट के लिए दम पे रखेंगे ताकि जो मसाला है इसमें आ जाए जायका इसमें। अब हम इसको सर्व करते हैं। गार्निश के लिए आपने इसके ऊपर हरा प्याज, अगर आपके पास फ्रेश है तो आप फ्रेश डाल लें, मेरे पास ये फ्रीज किया हुआ था। देसी चिकन मैक्रोनी मसाला रेडी है। मेरी रेसिपी पसंद आए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़। From the dust I was born, to the dirt I shall return. When my eyes are closed, in the shadows.